अभी तक हमने मनोविज्ञान के अंदर दो चीज़ें समझ ली थी हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस किस विचारकों ने अपने तथ्य रखे थे, और उसके बाद शिक्षा क्या होता है, शिक्षा के बारे में भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान, इन दोनों को एक साथ समझना ज़रूरी है कि शिक्षा जो है हमारी, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ कैसे सहसंबंधित है, कैसे कोरिलेटेड है, जिसकी वजह से हमारा मनोविज्ञान, मतलब साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, आपने समझ लिया कि वो होता क्या है, किस लिए उसको यूज़ किया जाता है। अब ये भी तो समझना ज़रूरी है ना कि शिक्षा में कैसे यूज़ किया जाता है उसका, एजुकेशन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट तभी तो कहा जाएगा जब हम उसका यूज़ मनोविज्ञान को अपनी एजुकेशन में रिलेट करेंगे, उसको समझेंगे कि उसका महत्व शिक्षा के अंदर क्या है। तो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का आपस में रिलेशन क्या है, इन दोनों को आपस में इसका संबंध क्या है, इस बात को समझना है। देखिए, शिक्षा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शिक्षा एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करता है जिसके अंदर बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए वो रास्ते, वो तरकीबें, वो तथ्य खोजता है जिससे जो टीचिंग प्रोसेस हो रहा है, जो एजुकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसको संपूर्ण रूप से किया जा सके। तो इसी में एक हमारी डेफिनेशन है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना व शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिक कुछ नियम, तथ्यों व परिणामों का प्रयोग करना है जिससे जो शिक्षा की प्रक्रिया हो रही है, जो शिक्षा का ये प्रोसेस चल रहा है, जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है, टीचर और स्टूडेंट जो दो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच में जो वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, उसके अंदर इन दो तथ्यों को रखा गया है कि शिक्षा के माध्यम से तो हमें बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए कोई रास्ता, कोई स्कोप तो होना चाहिए उसको हेल्पफुल बनाने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए, ताकि शिक्षा का जो पॉजिटिविटी है वो अच्छे से हो सके, उसके लिए हमारी शिक्षा मनोविज्ञान हेल्पफुल है, यानी कि हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर कुछ ऐसे नियम, कुछ तथ्य, कुछ परिणाम रखे जाते हैं जिससे शिक्षा की प्रक्रिया को पॉजिटिविटी देकर एक उपयोगी माध्यम बनाया जाता है। इसके बाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज के अंदर जो हमारा लाइफस्टाइल है, बाकी चीज़ें हैं, जीवन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर सही रूप में समायोजन करना और विकास करना और अपने आप को ढालना, परिवर्तन करना, उसी को शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। कि शिक्षा तो हमने प्राप्त कर ली है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान हो गया, लेकिन उसको कहाँ उपयोग करना है वो भी तो आपको सीखना है। अगर आपने 10th की एजुकेशन प्राप्त कर ली है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको 10th की एजुकेशन जो आपकी यूज़फुल होगी वो कहाँ होगी। तो उसके लिए वो जो कहाँ, क्यों, कब के रास्ते हैं वो खोलने का काम आपका शिक्षा मनोविज्ञान करता है, आपको ऐसे नियम और तथ्य और संप्रत्यय देता है जिससे आप अपनी प्राप्त की गई शिक्षा को वहाँ पे यूज़फुल बना सके, जो हमारा जीवन प्रक्रिया है उसके अंदर हम समायोजन कर सकें, अपना व्यवसायिक चुन सकें, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें, दूसरों को ज्ञान दे सकें, ये नहीं कि बातूनी ज्ञान दे सकें, उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन या इस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाए ताकि
वो भी उस एजुकेशनल साइकोलॉजी को यानी कि मनोविज्ञान को शिक्षा का महत्व समझते हुए अपनी जीवन प्रक्रिया यानी कि व्यवसाय और समाजीकरण का जो स्वरूप है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसको अच्छे से अचीव कर सके। अब सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया हो रही है वो किस किस के बीच होती है? टीचर प्लस स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया हो रही है उसके लिए शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। और ये चीज़ यानी कि शिक्षा प्रक्रिया के अंदर कुछ ऐसे गोल्स और कुछ ऐसे एम्स सेट किए जाते हैं जिनको अचीव करने के लिए ही शिक्षा की प्रक्रिया का प्रोत्साहन किया जाता है। और लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए जो हमने जो गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं पहले से, उसको अचीव करने के लिए हमारे लिए जो सहायक है पूर्ण रूप से वो शिक्षा मनोविज्ञान है। हमने बच्चे को 10th की एजुकेशन प्रोवाइड करा दी, उसको क्लास में हमने मैथ्स पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी या कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया, तो टीचर के द्वारा पहले से कुछ उसके ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट किए गए होंगे कि बच्चे को मैथ्स पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। अगर बच्चे को एग्ज़ाम्स जब बच्चे का लिया जाता है यानी कि मूल्यांकन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है कि टीचर के माध्यम से ये चीज़ चेक की जाती है कि जितना मैंने बच्चे को पढ़ाया है, जितना मैंने बच्चे को समझाया है, जो गोल्स मैंने ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स अचीव करने के लिए सेट किए गए हैं वो पूर्ण हो भी रहे हैं या नहीं। मैंने बच्चे को साइंस पढ़ा दी, मैथ्स पढ़ा दिया या मान लीजिए कोई 2 की टेबल पढ़ा दी, बच्चे को मैंने क्लास के अंदर 2 की टेबल पढ़ा दी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे करके मैंने बच्चे को पूरी टेबल समझा दी। अगर मैं बच्चे का, मुझे इसके लिए मैंने गोल्स पहले से ही सेट करे थे कि बच्चे को 2 की टेबल के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन करके हम कैसे टेबल्स को लिख सकते हैं या 2 की टेबल्स कैसे होती है, उनमें जोड़ हो रहा है, घुटा गणा घुटा जमा क्या हो रही हैं चीज़ें, गुणा जमा घटा, तो इसके माध्यम से क्या है बच्चे को पता चल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने जो गोल्स और अचीवमेंट्स जो चेक करने के लिए सेट की थी वो 2 की टेबल मैंने पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप कि मैं बच्चों का मूल्यांकन करूँगी, बच्चों का इवेल्यूएशन करूँगी, एग्ज़ाम लूँगी, ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चे ने वो गोल जो मैंने सेट किए गए हैं वो अचीव हुए भी हैं या नहीं, या वो हवा में ऊपर चले गए। क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 2 ने अचीव कर लिया और बाकी ने नहीं किया। अगर बाकियों ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजंस क्या थे, कोई उनको प्रॉब्लम फेस कर रही हैं या कोई उनको और कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो एजुकेशनल प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को समझते हुए उसको निदान कर यानी कि उसका रेमिडियल कर देते हुए इन चीज़ों का पता लगाना है कि जो हमारे सेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि सेट गोल्स होते हैं उनको किस रूप में प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मैंने आपको बताया कि शिक्षा का माध्यम ऑल ओवर डेवलपमेंट है और शिक्षा मनोविज्ञान का कुछ नियम तथ्य या ऐसा रास्ता प्रदान करना है जिससे हम जो हमारे सेट गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। एक और चीज़ जो हमारी लास्ट में बोली गई है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा को एक साध्य कहा गया है। शिक्षा को क्या कहा गया है, एक साध्य कहा गया है, और शिक्षा मनोविज्ञान को साइकोलॉजी में एक साधन कहा गया है। यानी कि शिक्षा एक साध्य है, जो हमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वो एक साध्य है कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और साधन उसका क्या है, वो शिक्षा मनोविज्ञान हमें प्रोवाइड कराता है कि वो किस रूप में करना है, किस कंडीशंस में करना है, क्या सोचते हुए करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो हो गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। एज अ टीचर अगर आपको शिक्षा का अर्थ पता है,
आपको पता है कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? दो लोगों के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, टीचर स्टूडेंट या किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, तो वो क्या है? शिक्षा है। जो शिक्षा है उसमें जो विकास है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा विकास परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। व्यवहार परिवर्तन से मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि मैंने बच्चे को 2 की टेबल लर्न करने के लिए दी। अगर आज मुझे 2 की टेबल नहीं आती है एज अ स्टूडेंट, अगर मुझे आज 2 की टेबल नहीं आती है, मैं बिल्कुल कोरी से लेट हूँ, मुझे 2 की टेबल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि 2 × 1 मल्टीप्लाई करके 2 बनेगा, 2 को 2 की गुणा के साथ करूँगी तो 4 बनेगा, ये चीज़ें नहीं पता है, तो क्या है, अभी मेरे अंदर नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जब मैंने 2 की टेबल लर्न करी, मेरी टीचर ने मुझे 2 की टेबल सिखाई, तो मुझे जो मेरे ज्ञान में परिवर्तन आया है, मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसके बाद क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि 2 की टेबल किस रूप में है, 2 की टेबल किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 × 1 4 होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। 2 × 1 आपका 2 ही होगा, 2 × 2 आपका 1 होगा और 2 × 2 आपका 4 होगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है, जो एक प्रक्रिया है शिक्षा की, वो पता चल जाएगी और उससे बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। उसमें क्या है, शिक्षा के अंदर ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं एजुकेशन में कि बच्चे का व्यवहार परिवर्तन होना ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसने किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त ही नहीं की है। अगर मेरा जो गोल था, मेरा ऑब्जेक्टिव जो सेट किया हुआ था, मुझे ये था कि मेरे सिखाने के बाद आपको साइकोलॉजी का अर्थ, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आपको अगर वो चीज़ें समझ आ गई, वो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो गए कि शिक्षा है क्या, मनोविज्ञान क्या है, उनको कोरिलेशन क्या है, उनका संबंध क्या है, तो यानी कि आपका ऑटोमेटिकली क्या है, आपके बिहेवियर और नॉलेज में चेंज हो जाएगा। पहले तो आपको नहीं पता था कि मनोविज्ञान होता क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे अचानक क्वेश्चन पूछ लूँ मेरे पर आने के बाद कि मनोविज्ञान क्या है, कौन सी इसकी डेफिनेशन है, आधुनिक डेफिनेशन क्या है, पहली विश्वविद्यालय जो रखा नींव रखी गई थी वो किसने रखी थी, कब रखी थी, आज उसका नाम क्या है, अगर आप उसके आंसर्स मुझे कर देते हैं तो इसका मतलब आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो गया, आपने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं, ज्ञान में परिवर्तन हो गया है। पहले आप 0 पर थे, अब आप 0 से 10 पर पहुंच गए हैं, तो मतलब आपका व्यवहार परिवर्तन हो गया है। इस तरह के परिवर्तन को ही एजुकेशन कहा जाता है। अगर मैंने किसी बच्चे को यही, मेरे पढ़ाने के बाद अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता चला कि मनोविज्ञान है क्या, तो उसके लिए मेरी आज की क्लास पूरी यूजलेस है। उसको यही नहीं पता चलेगा कि मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है, तो ना तो उसका कोई नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, ना कोई बिहेवियर में चेंज होगा। अगर पहले मैंने उससे पूछा था कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या अर्थ है वो बताइए, तो पहले भी उसे नहीं पता था, आज भी उसे नहीं पता, तो वो उसी समान पायदान पर रहा ना, क्योंकि उसे पहले भी वो 0 पर था ही था और आज भी क्या है, वो 0 पर ही है, तो उसका कोई भी व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ, उसकी नॉलेज इंक्रीमेंट नहीं हुई, उसका ज्ञान का विकास नहीं हुआ। तो इसीलिए शिक्षा का जो अर्थ है, शिक्षा को एक साध्य बोला गया है इसीलिए कि उसमें व्यवहार का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सिर्फ एक साधन है कि जो व्यवहार परिवर्तन करना है, बच्चे को 0 से 10 पे लेके जाना है, उसको कैसे लेके जाना है, किन किन चीज़ों का यूज़ करते हुए लेके जाना है। छोटे बच्चों को अगर आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों की क्या होती है, विजुअल पावर ज़्यादा तेज़ होती है, अगर आप उनको कोई चीज़ दिखा के समझाएंगे तो बच्चे क्या है, जल्दी समझते हैं, जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनकी अनुकरण की जो प्रक्रिया होती है वो उनके घर के पर्यावरण से ही संबंधित होती है, वो घर से ही चालू होती है, क्योंकि वो घर में भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए केवल अनुकरण का ही इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्वेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा
छोटे बच्चे होते हैं, शिशु के बाद जब वो उनकी उम्र बढ़ती है, वो 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, क्या आप उनको हिंदी भाषा लिख के समझाते हैं? क्या आप उनको व्याकरण का ज्ञान देते हैं? नहीं ना। आप उनको सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विश्लेषण और ये समास वगैरह का ज्ञान देते हैं? आप उनको नहीं बताते ना सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, भाषा तो नहीं सिखाते। तो भाषा वो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से, अपने घर के द्वारा, यानी कि ऑब्जर्व करके सीखता है। अगर मैं एज अ टीचर या घर के अंदर उसकी मॉम है, डैड है, बाकी लोग हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, भाषा सीख जाता है। बच्चे को भाषा का ज्ञान कराने के लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स या चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसको किताबी भाषा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वनाम ये है, संज्ञा ये है, विशेषण ये है, विश्लेषण ये है, तभी आप का, माँ, चा, पा, मम्मा कहाँ जा रहे हो, पापा कहाँ जा रहे हो, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। आम भाषा तो क्या है, बच्चा जैसे जैसे अपने एनवायरनमेंट में सीखेगा, जैसे जैसे अपने परिवार को देखेगा, समाज को देखेगा, स्कूल को देखेगा, वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। अब उसको क्या पता इसको पेन कहते हैं, नहीं पता ना। आपने क्या उसको सर्वनाम या विश्लेषण या व्याख्या करके बताया था कि बच्चों इस विश्लेषण की और संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा ये है, तो इसलिए इसको पेन कहते हैं? नहीं ना। तो बच्चे को ये पता कैसे चला कि इसको पेन कहते हैं? क्योंकि उसके मॉम डैड इसे पेन कहते हैं, उसके दादा, दादा, नानी, नानी, उसके दोस्त, उसके बाकी जो पड़ोसी हैं, इसको पेन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चा आम भाषा को आम भाषा के रूप में अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है। मैं इसको ब्लैकबोर्ड कह रही हूँ तो कल को बच्चा भी ब्लैकबोर्ड कहेगा। इसको ब्लैकबोर्ड कहने के लिए मुझे बच्चे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्लैकबोर्ड की डेफिनेशन ये है, ब्लैकबोर्ड इस आकार का होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक। और आपने नॉर्मली देखा होगा हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन समाज है, उसके अंदर जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, वो हिंदी है। तो इसीलिए इंडिया के बच्चों को उसकी मातृभाषा सिखाने के लिए कोई अलग से ज्ञान नहीं देना पड़ता, कोई अलग से किताब नहीं देनी पड़ती, लो बच्चों किताब पढ़ो, इससे तुम्हें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होगा। नहीं, वो अपने माँ बाप को देखकर, समझकर, समाज को देखकर, अनुकरण के माध्यम से ऑब्जर्व करके सीख जाता है। तो ऐसे ही जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, जैसे अमेरिका, यूएसए वगैरह, लंदन वगैरह, इन जगह क्या होता है, उनकी मदर टंग क्या होती है, इंग्लिश होती है। तो वहाँ पर इंडिया के बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी मातृभाषा है, जो आम बोलचाल की भाषा है, वो हिंदी है। तो इसीलिए वो हिंदी को ही फोकस रखते हैं और वो हिंदी ईजीली सीख जाते हैं। ऐसे ही जो फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं, वहाँ पे जो उनकी मदर टंग होती है या मातृभाषा होती है, वो क्या होती है, इंग्लिश होती है। तो वहाँ पे भी उनको कोई इंग्लिश की किताब नहीं दी जाती, लो वोकैबुलरी पढ़ो, लो ग्रामर पढ़ो, इससे क्या होगी, आपकी मातृभाषा स्ट्रांग होगी? नहीं, वो भी क्या, अपने पेरेंट्स को देखकर, सीखकर, अनुकरण के द्वारा वो चीज़ें सीख जाते हैं। अब क्या है, ज़रूरी नहीं जिसकी इंग्लिश, मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे हैं, उनकी मातृभाषा इंग्लिश है, तो वो तो अनुकरण के द्वारा सीख जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं एकेडमिक रिकॉर्ड्स में उनकी इंग्लिश अच्छी हो, मातृभाषा के द्वारा उन्होंने इंग्लिश सीखी है, बस बोलनी सीखी है, इसीलिए उनका एक फ्लो बना हुआ है कि वो अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं, बोलचाल है, उसको इंग्लिश में कन्वर्सेट करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं एकेडमिक रूप से उनकी ग्रामर इतनी स्ट्रांग हो, उनके वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो। कई बार देखा होगा आपने भी, वो बच्चे भी इंग्लिश में पीछे होते हैं, वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्रामर नहीं आती, उनको बोलना ही तो आता है क्योंकि उन्होंने अनुकरण करके सीख लिया, लेकिन ग्रामेटिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो अपने अकेडमिकली इंग्लिश में मार्क्स अचीव कर सके, ठीक है। तो इसमें लास्ट पॉइंट मेरा इसमें यही था, शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि शिक्षा का अगर प्रक्रिया करनी है तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही नियम और तथ्यों को समझते हुए उस प्रक्रिया को संपूर्ण किया जा सकता है, उपयोगी बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें वैल्यूज आए। लेकिन अगर इन दोनों का आपस में सह संबंध है तो ये एक दूसरे से दूर भी है, क्योंकि शिक्षा को साध्य के रूप में लिया गया है और शिक्षा मनोविज्ञान को साधन के रूप में। वो सिर्फ एक तरीका है, वो सिर्फ एक जरिया है मनोविज्ञान,
कि आपको जो एम, जो आपके गोल्स सेट हैं, उनको कैसे अचीव करना है। बस आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है, इस चीज़ में स्ट्रांग है, तो आप इस स्ट्रांग वाली चीज़ को हटा देंगे कि बच्चा उसमें ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैथ साइंस के दो सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा आपका मैथ्स में स्ट्रांग है, साइंस में कमज़ोर है, तो आप बच्चे के मैथ्स में फोकस नहीं करेंगे, आपको उसकी कमी पता चल गई। आपको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा आप उसके लिए कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी चीज़ें खोजेंगे जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके, जिससे उसको साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो सके, या जो चीज़ें उसे साइंस में मुश्किल लगती हैं, जो चीज़ें वो लर्न नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, उनको कुछ ऐसे ईजी वे में समझाना है जिससे बच्चा इंटरेस्टेड डेवलप करने के साथ साथ उसको पढ़ सके, समझ सके, और कल को अगर आप उससे क्वेश्चन पुट करें तो समझने के बाद वो आपको उसी वे में एक्सप्लेन कर सके। तो क्या होगा, आपका जो ये इन दोनों सब्जेक्ट्स का, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, वो आप एक बैलेंस करके चलेंगे कि आपको जितनी एक सब्जेक्ट पे पकड़ है आपकी, उतनी ही दूसरे सब्जेक्ट पे भी पकड़ है। ऐसा नहीं कि बच्चे का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आपको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है बच्चे के पीछे, मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स में 100 out of 100 दो और बात ख़त्म, बच्चा पास हो गया। हो ही नहीं सकता, बच्चे के एक सब्जेक्ट में क्या है, 100 में से 100 मार्क्स क्यों ना हो जाए, बाकी जब ऑल ओवर उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो अकेडमिक रूप से पीछे रह जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर जो इवैल्यूएशन की जाती है वो सभी के थ्रू की जाती है, तो इसीलिए बच्चे का एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता, उसको क्या है, एक मीडियम वे में, एक बैलेंस वे में सभी सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए शिक्षा जब भी प्रोवाइड कराई जाए, जब भी एजुकेशन दी जाए, स्टूडेंट और टीचर के माध्यम के बीच जो प्रक्रिया चल रही है मध्य के बीच, वो शिक्षा मनोविज्ञान की हेल्प से ही दी जाए, जिसमें हम उसकी समस्या को समझते हुए, उसका निदान करते हुए, उसका रेमिडियल देते हुए उसको साध्य बनाते हैं। थैंक यू।